टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका अनसॉल्व क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर। आर इज अ रिलेशन ऑफ एन क्रॉस एन, इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स सच दैट दिस इज रिलेटेड इंप्लाइज दिस। मतलब क्या हुआ कि एन क्रॉस एन मीन्स ए और बी जो दोनों हैं वो एन से बिलोंग करते हैं, तो एन क्रॉस एन के अंदर जो एलिमेंट इस तरह से होंगे, ओके इस तरह के आपके पेयर के अंदर एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे। अब ये एक एलिमेंट है, दिस इज द वन एलिमेंट। ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन कब होगी? अगर ए प्लस डी, ए इंटू डी इंटू बी प्लस सी विल बी इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस ए प्लस डी। एंड शो करना है हमें, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर एक भी प्रॉपर्टी इसमें से नहीं यहां पे वैलिड तो इट विल नॉट बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। सी, सो फर्स्ट आई विल चेक रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर जितने भी, अब हमारे पास जो सेट है वो ए नहीं है, वो एन क्रॉस एन है। तो लेट, आपने एक एलिमेंट लिया ए बी belongs to n cross n, तो मुझे बताइए अगर a into b plus b plus a, क्या हम इसको लिख सकते हैं? देखो अगर a भी a b से रिलेटेड हो तो इफ चेक कर लेते हैं कि अगर ए बी रिलेटेड टू ए बी हो तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ए टू बी, बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दूसरा क्या, बी प्लस सी, B into A और A plus B, तो बेटा ये तो दोनों सेम है, अंडरस्टैंड, ये तो दोनों सेम है। तो therefore, because अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम दिस इट मस्ट बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, बोथ आर इक्वल, ओके। सो therefore, इट इज रिफ्लेक्सिव, अंडरस्टैंड। देखिए अब हम करने लगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर इफ लेट, अगर कोई एलिमेंट है ए बी दैट इज रिलेटेड टू बी सी सी डी, अगर एक एलिमेंट है जो ए बी जो है वो रिलेटेड टू सी डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? This implies, according to the concept, AD plus BC must be equal to BC into A plus D. Correct? तो हम क्या करेंगे? क्या मैं इसको left को right लिख सकता हूँ? BC into A plus D और ए डी इंटू बी प्लस सी, हमने एक साइड इंटरचेंज कर ली। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सी डी है इट इज रिलेटेड टू ए बी। कैसे? बी सी इंटू ए प्लस डी और फिर ए डी इंटू बी प्लस सी। तो कहने का मतलब अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है
तो सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया. सो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज सिमेट्रिक. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज ट्रांसटिव. अब ट्रांसटिव में बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ यू विल वेरीफाई. ट्रांसटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है तो रिलेशन में है, तो ए जो है वो सी से रिलेटेड होना चाहिए. पर बेटा यहाँ पे जो ए एलिमेंट है ना वो ए नहीं है, वो ए कॉमा बी है. तो हमारा क्या है, देखिए, इफ ए बी, लेट हमने बोल लिया कि लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, अनदर एलिमेंट ले लिया, तो हमें शो करना है कि जो ए बी है वो ई एफ से रिलेटेड है. अंडरस्टैंड? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा तो दैट विल बी ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस सी, ये होगा. अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस स्टेप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट. सी, यू टेक बी प्लस सी, ये बी सी के नीचे ले जाओ, बी सी इसके नीचे ले जाओ, और इधर ए प्लस बी है इसके नीचे ए बी ले जाओ. तो दिस इंप्लाइज ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो बी से बी कैंसिल वन ओवर सी, और दिस डिवाइडेड बाय दिस वन ओवर बी इज इक्वल टू ए ए ओवर दिस ए डी ए ओवर सॉरी वन ओवर डी और वन ओवर ए. इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए. सो सिमिलरली फ्रॉम हेयर व्हाट यू विल डू, तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द मेथड सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ. ओके, सो व्हाट हैपेंड हेयर, आप डी प्लस ई के नीचे डिनोमिनेटर में डी ई ले आओ एंड सी प्लस एफ के डिनोमिनेटर में सी एफ ले आओ. सो व्हाट यू विल गेट हेयर, दिस डिवाइड बाय दिस वन ओवर ई प्लस वन ओवर डी इज इक्वल टू वन ओवर एफ प्लस वन ओवर सी. इसको क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए. अंडरस्टैंड? आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वन और टू को ऐड कर दो. जब वन और टू को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी. सो वन ओवर सी प्लस वन ओवर बी वन ओवर ई प्लस वन ओवर डी इज इक्वल टू वन ओवर डी प्लस वन ओवर ए वन ओवर एफ प्लस वन ओवर सी. ये हो गया वन ओवर सी कैंसर, वन ओवर डी कैंसर. सो व्हाट यू आर गेटिंग, वन ओवर बी प्लस वन ओवर ई इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस वन ओवर एफ. ध्यान दो, एलसीएम लो, ई प्लस बी इंटू बी ए प्लस एफ इंटू एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एफ इंटू ई प्लस बी एंड बी प्लस इंटू ई एफ प्लस ए. करेक्ट? ध्यान से देखो, तो बेटा जी इसका मीनिंग क्या होगा, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ. देखो ए एफ इंटू बी प्लस ई फिर बी इंटू ई प्लस ए एफ. तो हमारा क्या था, हमने प्रूव कर दिया, देखो अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो ए बी ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए, ये हमने प्रूव कर दिया. सो देयरफॉर आर इज ट्रांसटिव आल्सो, तीनों प्रॉपर्टी वैलिड होगी. सो देयरफॉर आर हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. अंडरस्टैंड? देखो बेटा कई बार इतना ही लिखा होगा, शो दैट दिस इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट्स.
तो हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, जिसमें हम सारे सेट वो लेंगे, ए सेट ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, देयर आर टू सेट्स हियर ए एंड बी आर एनी सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो तभी ए रिलेटेड टू बी होगा, करेक्ट? दिस इज द डेफिनेशन एंड वी वॉन्ट टू शो वेदर इट इज पार्शियल ऑर्डर और नॉट। ध्यान दें, सो वी विल स्टार्ट, हमें पता होना चाहिए पार्शियल ऑर्डर का, पार्शियल ऑर्डर जो रिलेशन है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ये तीन प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांजिटिव, ये तीन प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। अंडरस्टैंड? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सो लेट ए बी एनी सेट, करेक्ट? तो अगर कोई ए एनी सेट है तो वी नो डॉट आल्सो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए अपना सेट, सबसेट तो हमेशा होता है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर होते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, और यू कैन से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव का यही है कि एनी एलिमेंट्स आप लेते हो, कोई सेट लेते हो, तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, सो इट इज वैलिड, ट्रू। सो देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए बी और बी ए, दोनों बिलोंग्स टू रिलेशन हो, इफ एंड ओनली इफ, तभी पॉसिबल हो अगर ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज नहीं, किसी का भी रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो वी नो दैट अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वेरी मच क्लियर, इट इज गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है? तो इफ बी बिलोंग्स, बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, इफ, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सबसेट ऑफ ए, और आपको पता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो, उसका मीनिंग होता है ए इज इक्वल टू बी। तो किसी भी एलिमेंट का अगर रिवर्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो देयरफॉर आर इज ए एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सो लेट्स मूव टू द ट्रांजिटिव, वेरी सिंपल। If so let A comma B belongs to R, इसका मीनिंग क्या हो गया, A इज ए सबसेट ऑफ B। अब हम बोलते हैं B comma C is also belongs to R, इसका मतलब क्या हो गया, A B इज ए सबसेट ऑफ C। तो बेटा जी अगर A सबसेट B का और B सबसेट ऑफ C का, तो मीनिंग क्या हो गया, A इज ए सबसेट ऑफ C, implies A comma C belongs to R. Understand? तो ये हमारे पास, therefore R is transitive, A transitive
रिलेशन. सो देयरफॉर ट्रांसिटिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है. देयरफॉर आर इज ए पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन. सो हेल्प, मैं बड़े ध्यान से कर रहा हूं क्वेश्चन. ये आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं. तो आपको ये शो करना है कि सारे ए बी वो लेंगे, ए माइनस बी इज ऑन ऑड इंटीजर. सो आर इज इक्वल एज अ रिलेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने लगे. रिफ्लेक्सिव, सो आई हैव टेकन वन पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम जेड पॉजिटिव. ओके, सो तो जब आप a माइनस ए करोगे, दिस इंप्लाइज a माइनस ए करोगे दैट विल बी इज इक्वल टू जीरो. अब जीरो बेटा विच इज नॉट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए. तो ऑड इंटीजर है नहीं. So therefore, a comma a does not belongs to R. Therefore, not reflexive. चलो हमारा जो इक्वलेंस का कंडीशन थी वो तो निगलेक्ट होगी कि इक्वलेंस तो हो नहीं सकती. रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्वलेंस नहीं हो सकती. पर लेट्स चेक अदर ऑल्सो. हम जरा सिमेट्रिक चेक करके देखें. अगर हम कोई दो एलिमेंट लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी 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 इज इक्वल टू इज ऑड इंटीजर. ऑड इंटीजर इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी कोई ऑड इंटीजर लेते हैं और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि तो पॉजिटिव लेना सर ए बी पॉजिटिव है. ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड नहीं है पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये मैंने पॉजिटिव यहां पे लिखने की जरूरत है, इंटीजर लिखना है बस, ऑड इंटीजर. करेक्ट, जरा ध्यान दीजिए. तो a माइनस बी अगर मैं ऑड इंटीजर लेता हूं तो देखिए 2m हो गया इवन, किसी भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इवन, प्लस 1 ये हो गया जी ऑड. ऐसा होगा फॉर सम m, फॉर सम m. तो अगर मैं इनमें से माइनस निकालता हूं कॉमन तो दिस विल बिकम 2m प्लस 1. तो दिस बिकम बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 1. तो बेटा ये भी एक ऑड इंटीजर ही है, चाहे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें इनका डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला, ओनली ए बी आर नेगेटिव पॉजिटिव. सो अगर b माइनस ए हो गया दैट विल बी द नेगेटिव, बट है ये ऑड इंटीजर ही रहेगा, ऑड ही मे बी नेगेटिव. अगर 3 ऑड है तो माइनस 3 भी ऑड है. सो दिस इंप्लाइज b comma a belongs to R, so therefore it is symmetric. Symmetric है, therefore it is symmetric. अब transitive check करते हैं. Transitive के लिए I have taken that a comma b belongs to R. इसका meaning क्या हुआ? a minus b is odd integer. So this implies a minus b is equal to 2m1 plus 1. इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ऐसा कुछ होगा m1. So अगर b comma c belongs to R है, इसका मतलब b minus c भी odd integer होगा. Means b minus c that will be 2m2 plus 1. ये भी odd integer, इसको क्वेश्चन 2 मान लीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. a माइनस सी इज इक्वल टू टू एम एम वन
प्लस वन प्लस टू एम टू प्लस वन, बेटा ये तो गड़बड़ होगी, टू एम वन टू एम टू वन प्लस वन टू, बेटा ये तो इवन बन गया क्योंकि ये टू का मल्टीपल हो गया, ये ऑड इंटीजर है विच इज एन इवन इंटीजर, देयरफॉर बी कॉमा ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी, ए माइनस सी एक इवन इंटीजर आ गया, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसटिव। देखो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांसटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है, सो देयरफॉर इट इज, देयरफॉर इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। डन।